अरुणाचल प्रदेश के अंदर गुरु नानक पातशाह जी का पावन पवित्र अस्थान है, उस अस्थान में जोड़ा है वो खत्म करने का कोझा यतन जोड़ा है वो किया गया, और ये उतों की सरकार भी जी है वह स्थानक लोगों के दबा के आके इस कार्य के शामिल हो जाती है। तो स्थानक लोगों को कौन भड़का रहे हैं यदि बड़े बड़े पद्धर के उत्ते जी है भारत सरकार को जांच करनी चाहिए है। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका विखे पहले पातशाह गुरु नानक साहब जी नाल संबंधित इतिहासक अस्थान नूं बोधी मंदिर विच तब्दील कीते जाण दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सख्त नोटिस लिया। मेचुका विखे श्री गुरु नानक पातशाह की याद विच गुरद्वारा गुरु नानक तपो अस्थान स्थित है, जिस नूं हाल ही विच बुद्ध धर्म के अस्थान के रूप में बदल दिता गया। लंघी 8 अप्रैल नूं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया से अपने दौरे दीआं कुछ तस्वीरां सांझीआं कीतीआं ने, जिस तो साफ नज़र आ रहा है कि इस सिख अस्थान नू बोधी मंदिर वजो तब्दील किया जा चुका है। इस मामले ते जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा भी आज बयान आया। बड़ी मंदभागी जड़ी है गल सुनने मिली है। एक पासे इंडो चाइना बार्डर दे उते भारतीय फौज दे विच शामिल सिख नौजवान चीन वालों जिहड़े वंगार पाई जा रही है उहदा बाखूबी जिहड़ा है वह जवाब दे रहे हैं, तो दूजे पासे खास तौर दे उत्ते जिहड़ियां साडियां पूर्वी स्टेटां ने भारत दे अंदर उहनां दे विच जिहड़े सिख निशान है इतिहासक स्थान है उहनां नूं खत्म करन दा यतन हो रहा है। ये बड़ी वड्डी चिंता वाली गल है। कौन लोग है जिहड़े स्थानक लोगों नूं भड़का के सिख धार्मिक अस्थानों नूं खत्म करन दा या करवाउण दा यतन कर रहे हैं? यदि भारत सरकार नूं बड़ी गंभीरता दे नाल जांच करनी चाहिए है। शिलोंग दे विच एक सिख बस्ती नूं लैके काफ़ी समय तो विवाद चले आ रहा है, उहदे विच भी कुछ शरारती जिहड़े तत्व ने उह स्थानक लोगों नूं सिखां दे खिलाफ़ भड़का रहे ने। डांग मारक श्री गुरु नानक देव जी का पावन अस्थान है उन्हों जड़ा खत्म किया गया, उत्थे भी स्थानक लोगों जड़ा है सिखां दे खिलाफ भड़काया जा रहा है और भड़का के जड़ा डांग मार्ग स्थान जड़ा है उन्हों कैप्चर करने का यतन होया। तो हुण फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर गुरु नानक पातशाह जी का पावन पवित्र अस्थान है उस अस्थान जड़ा है वह खत्म करने का कोझा यतन जड़ा है वह किया गया, और ये उत्थों की सरकार भी जी है वह स्थानक लोगों के दबा के आके इस कार्य के शामिल हो जाती है। तो स्थानक लोगों को कौन भड़का रहे हैं यदि बड़े बड़े पद्धर के उत्ते जी है भारत सरकार को जांच करनी चाहिए है। कि चीन के बार्डर के उत्ते साढ़े लड़ रहे सिख नौजवानों डमैरोलाइज करने वास्ते तो यह सब कुछ नहीं हो रहा, यदि बड़ी गंभीरता के नाल भारत सरकार जांच करे तो जिहड़ा अरुणाचल प्रदेश गुरु नानक साहब जी का स्थान है उन्हें बहाल करे भारत सरकार, ताकि साडे सैनिकां दे भी हौसले बुलंद रहन और साडी कौम दे भी हौसले जिहड़े आ उह बुलंद रहन। मैं बस इहो ही कहना चाहांगा, अरुणाचल प्रदेश दे विच जो भी ये घटना वापरी है बहुत मंदभागी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने लैवल दे उत्ते यतन कर रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जिहड़ा असीं कहा है कि वह फौरी तौर दे उत्ते अरुणाचल प्रदेश दे विच अपनी एक टीम भेजे जिहड़ी जाके वह सारा उत्थे मुआयना करे कि यह मामला जिहड़ा है वह किवें होया क्यों होया की कारण है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी अपने पद्धर दे उत्ते पड़ताल कराएगी, लेकिन भारत सरकार नूं खास तौर दे उत्ते पूर्वी स्टेटां दे विच सिखां नूं डमैरोलाइज़ करन वास्ते सिख अस्थानां दे नाल छेड़छाड़ करन दा जिहड़ा यतन हो रहा है यदि गंभीरता दे नाल पड़ताल करन दी जरूरत है।